साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खूब होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आइए आज हम मैथ की दुनिया में क्या सीखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट डिफरेंट नंबर। क्या सीखते हैं आज हम? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट या डिफरेंट नंबर। इसका क्या हिंदी होता है? दो भिन्न संख्याओं का गुना। दो भिन्न भिन्न संख्याओं का गुना। ठीक है, जैसे देखिए 23 × 25 क्या होगा, 68 × 99 क्या होगा, 70 × 23 क्या होगा, 67 × 55 क्या होगा। मतलब दो डिफरेंट नंबर है। अब आप ऐसे गुना करना शुरू कर दीजिएगा कि नहीं 23 × 25 ऐसे करो, 5 × 15, 5 × 10 = 11, 3 × 6 = 2, 2 × 4 और फिर इसको छोड़ो, 5 × 6 = 7, 4 × 1 = 5। इस तरीके से करेंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी, तो बहुत वक्त लग जाएगा आपको। हम कंपटीशन की दुनिया में आए हैं और हमारे पास एक एक सेकंड का वैल्यू है। अगर आपके पास 3 सेकंड बचते हैं ना, तो हम वो 3 सेकंड किसी और क्वेश्चन पे देंगे। अगर आपके पास 2 सेकंड बचते हैं एटलीस्ट, तो वो 2 सेकंड हम दूसरे क्वेश्चन पे देंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे दो भिन्न भिन्न संख्या, जैसे 1 23 हो गया तो 1 25 है, 1 68 है, 1 99 है, 1 70 है, 1 23 है, कुछ भी। जैसे आप मान लीजिए किसी का स्क्वायर भी अगर आपको याद नहीं है, तो आप इससे भी आप निकाल सकते हैं क्या? जैसे देखिए, मान लीजिए आपको याद नहीं है 77 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 77 × 77 है ना, इसका स्क्वायर अगर नहीं है, लेकिन आज जो आप सीखेंगे ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट डिफरेंट नंबर, इसे आप सब कुछ निकालने में सक्षम हो पाइएगा। कुछ भी, दो डिजिट का कोई भी संख्या हो, रिपीटेशन भी हो, कोई भी हो, आप सक्षम हो पाइएगा। आइए देखते हैं, सिर्फ इतना बोलने से कुछ नहीं होता है, सीधे पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। जैसे देखिए 23 × 27 क्या होगा, तो देखिए पहले तो आपको क्या लिखना है, 23 को किसे गुना करना है, 27 से। ठीक है, इसको हमें क्या करना है मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे गुना करना है और एग्जाम में समय बचाना है आपको। तो पहले इससे इसके साथ गुना कीजिए, 21 का एक हासिल कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इसको इससे गुना करना, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। क्या करना है, तिरछा तिरछी। एक्स कैसे लिखते हैं या गुना का साइन कैसे लिखते हैं, ब्रज गुणनखंड विधि जानते हैं? जैसे इसको इससे गुना कीजिए, इसे इसको गुना कीजिए। ठीक है, बहुत आसानी से करना है, पहले चीजों को समझना है पहले। ओके, आइए देखिए, तो 7 × 14 हो गया और 3 × 6, दोनों को तो पहले गुना कर लिए ना, ऐसे ऐसे गुना तो कर लिए ना, पहले 3 × 6 या 7 × 14। अब हम इसको इससे गुना करें पहले या इससे गुना करें पहले, बोथ मैटर ही सेम, दोनों बात सेम है। तो 3 × 6 और 7 × 14 दोनों को गुना करने के बाद जोड़ लेना है मन ही मन। आप मैथ बना रहे ना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, जोड़ घटाओ गुना भाग, तभी आपका सारा का सारा कैलकुलेशन फास्ट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ कि 1 से 40 तक आप स्क्वायर याद रखिए, 1 से 50 तक आप पहाड़ा याद रखिए, 1 से 21 तक एटलीस्ट आप क्यूब याद रखिए, तो आपको बहुत 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 ईजी वे में आपका मैथ के सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 7 × 14 और 3 × 14 = 6 कितना, 20 और 22 के 2 हासिल क्या हो जाएगा, 2 हासिल, जोड़ते जाना है मेरे दोस्त, और लास्ट में क्या करना है, इसको इससे गुना कर देना है, तो 2 × 2 = 4 और 2 = 6 क्या आया हमारा आंसर, 621। चलिए एक नॉर्मल गुना करके हम चेक करते हैं कि क्या वास्तव में ये हमारा सही है। कैलकुलेटर को नाम मत लीजिएगा, फोन में कैलकुलेटर होगा भूल जाइएगा, आज के बाद टोटली कैलकुलेशन खुद से करना है। चलिए 23 को 27 से, तो 27 के 1 हासिल, 2 × 7 = 14 और 2 = 16, 3 × 6 = 2, 2 × 4 ये हो गया, 1 × 6 = 12, 5 × 1 = 6, 621 आ रहा है ना हमारा, क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ ना। पहले क्या करना है, इसको इससे गुना करके लिख देना है, उसका हासिल 6 देना है, यानी 27 के 1 हासिल 2,
फिर इससे इसको गुना करना है, फिर इससे इसको गुना करना है, यानी 7 × 2 = 14 और 3 × 2 = 6, तो 14 और 6 = 21, 21 × 14 = 20, 20 × 2 = 22, 22 × 2 = 2। अब लास्ट वाला को हमें गुना कर देना है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, इतना चीज़ आप समझ गए होंगे, लेकिन इसमें जो हम लोग स्टेप कर रहे हैं, स्टेप कर रहे हैं, उस स्टेप को पहले ध्यान में रखिए, उस स्टेप को भी आप पहले ध्यान में रखिए। एक चीज़ ही सीखिए लेकिन उस चीज़ को दिल से सीखिए हमारे दोस्त, एक ही चीज़ सीखिए लेकिन उस चीज़ को आपको दिल से सीखना है, ठीक है। चलिए हम इसको ए मान लेते हैं पहला डिजिट को, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी। चलिए इसको थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा सा इसको 2, 3, 2, 7, 2, 7, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। इसमें जो हम स्टेप क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये भविष्य में हम भूल ना पाए, इसीलिए आप थोड़ा सा नोट्स करके, स्पेशल नोट्स करके आप इसको लिख सकते हैं। क्या पहले बी गुने डी क्या किए हैं, पहले हम यहाँ ये डी हो गया, बी गुने डी स्टेप वन में, ठीक है, जो आएगा उसको लिख करके हासिल हाथ में रखेंगे। उसके बाद क्या किए हैं, इसको इससे गुना किया, यानी बी गुने सी क्या किए हैं, बी गुने सी, उसके बाद प्लस जोड़ दिए हैं किसको, ए गुने डी को, ए गुने डी को, ठीक है, जोड़ करके लिख देंगे, जो हासिल आएगा उसको हमें बचा लेना है। फिर लास्ट में क्या किए हैं, इसको इससे गुना किए हैं, यानी ए गुने सी क्या किए हैं, ए गुने सी। यही तो तीन स्टेप है मेरे दोस्त, यही तो तीन स्टेप है, क्या प्रॉब्लम है आपको, बनाइए ना। चलिए जैसे हमें याद नहीं है कि 87 का स्क्वायर क्या होता है, हमें याद ही नहीं है, सीआई वाला में अगर स्क्वायर क्यूब अगर याद है तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा, इसीलिए आप तो याद कर ही लीजिए अगर मैथ पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। देखिए 87 का हमें स्क्वायर याद है ही नहीं, अब क्या करेंगे आप, क्या इसको आप ए बी फार्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको ए बी फार्मूला किसको कहते हैं वो देख लीजिए, ए बी फार्मूला, जैसे हम लोग जानते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है। जैसे ये पहले तो 2 digit डिफरेंट नंबर आप याद कर लीजिए, तो इस तरीके से कुछ भी, जैसे देखिए 67 और 87, इसको हमें गुना करना है, फटाक से गुना कीजिए, 7 × 49 = 9 हासिल किया 4, 7 × 6 = 42 और ये हो जाएगा 8 × 7 = 56, ये दोनों जोड़ दीजिए तो 6 × 2 = 8, 5 × 9 = 10, 108 × 108 = 8 हासिल कितना 10। ऑलवेज 1 digit में ही लिखना है, बाकी कितना भी डिजिट आ जाए उसको हासिल में रखना है। फिर 8 × 6 = 48, 48 × 10 कितना हो जाएगा 58, अब गुना करके देख लीजिए 58 89, यही आपका आंसर होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 digit डिफरेंट नंबर में ऐसा ही होगा। और आप इसको हमेशा याद रखिए हमारे दोस्त, पहले क्या पहले क्या करना है, स्टेप वन में बी गुने डी, स्टेप टू में क्या करना है बी सी गुने ए डी, बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, और तीसरा स्टेप में क्या करना है हमारे दोस्त, ए गुने सी, यही करना है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल दुनिया में करके बताते हैं फिर से, जैसे देखिए 87 × 67 क्या होगा, इसको गुणा करना है, पहले क्या करेंगे कीजिएगा 7 × 49 = 9 हासिल किया, 8 × 7 = 56 और 7 × 6 = 42, तो ये 6 × 2 = 8, 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 5 = 9, 98 98 और 4 क्या हो जाएगा 98 2 100 और 102, तो 102 में क्या आएगा 2 लिख देंगे हम और 10 आपका हासिल हो जाएगा, ठीक है, 8 × 6 = 48, 48 × 10 = 58, ये तो मैंने बताया ही। चलिए दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा कैसे याद रख लीजिए, मान लीजिए 37 ऐसे आ जाए 37 × 26, अब इसको हमको फटाफट कैसे करना है, तो 37 को और 26 को एक साथ लिख देंगे, 7 × 6 = 42 फिर लिख देंगे 7 × 2 = 14 और 7 × 21 = 18, ये दोनों जोड़िया 8 × 9 = 2 + 1 = 3, फिर ये 4 × 49 = 4 कितना हो जाएगा 43 × 3 हासिल 4 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 10, ये तो आपका आंसर होगा मेरे दोस्त, कितना इजीली हो रहा है ना।
आपको समझना है, मैथ इज नथिंग, बसरते कि आप इसको वक्त तो दीजिए, इसको बारीकी से तो समझिए, ठीक है। चलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट डिफरेंट नंबर में हम एक चीज फटाफट और सारी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे देखिए 97 into 98 कैसे करेंगे हम इसको गुणा। चलिए 97 पहले लिख दिए, क्या लिख दिए 97, फिर 8 × 56 = 5, 9 × 8 = 72, 9 × 7 = 63, जोड़िए दोनों को, 3 × 2 = 5, 7 × 6 = 13, 13 × 135 = 5 जोड़ेंगे 140, 140 का 0 हासिल हो जाएगा 14, ठीक है, हासिल क्या हो जाएगा 14, नॉर्मल 81, 81 और 14 क्या हो जाएगा 81 और 14 जोड़िए ये हो जाएगा 5, 8 × 1 = 95, या 95 लिख दीजिए, यही तो आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा, यही तो आंसर होगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन को देखिए, जैसे देखिए 77 × 36 क्या होगा, फटाफट कीजिए, 77 है ना, 36 है ना, जल्दी से कीजिए, 7 × 6 = 42, 2 + 4 = 4, 7 × 42 = 21 जोड़िए 42 × 21 = 43, 63 × 3 हासिल क्या हो जाएगा 6, हासिल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 21 × 6 = 21 क्या हो जाएगा 27, यही तो आपका आंसर है, इतना फटाफट होने वाला आंसर, बसरते कि आप इन चीजों को समझे तो सही। क्या कर रहे हैं हम, पहले इसको इससे गुना कर रहे हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करके जोड़ देते हैं, तो 27 + 21 = 42, 21 = 42 को जोड़ करके जो आएगा लिख करके हासिल हम हाथ में रखते हैं, फिर लास्ट में इसको इससे गुना करते हैं। पहले देखिए लास्ट और फर्स्ट बहुत ही सेम, क्या पहले हम इसको इससे गुना कर दिए, लास्ट में इससे इसको गुना कर रहे हैं, मिडिल में क्या बच रहा है मेरे दोस्त, मिडिल में इसको इससे गुना कीजिए और इससे इसको गुना कीजिए, यानी तिरछा तिरछी गुना करके और उसको जोड़ दीजिए, फटाफट कीजिए, बहुत कम वक्त लगेगा, भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए जैसे देखिए, जैसे आपका रहेगा 20, इसका रहेगा मान लीजिए 57, इसका रहेगा 69, ऐसे रहेगा ना 57 × 69, हमको गुना करना है, अब ऐसे लिख करके 57 करो 69 करो, ऐसा गुना कर साइन लिखो, फिर करो 9 × 7 = 63, हासिल 6, 9 × 5 = 45, 6 = 51, फिर इसको कट करो 7 × 6 = 42, 6 × 5 = 30, 4 × 34 ऐसा करो, फिर जोड़ो 3 × 2 = 1, 3 × 5 = 9, 3 ऐसे करेंगे मेरे दोस्त तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे तो सॉरी ऐसे करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा आपके पास, ठीक है। करना कैसे है देखिए, 7 लिख देंगे, 69 लिख देंगे, ऐसे करेंगे डायरेक्ट गुना, 9 × 7 = 63 क्या हुआ हासिल 6, तिरछा तिरछी गुना, 9 × 5 = 45, फिर क्या हुआ 7 × 6 = 42, जोड़िए ना दोनों को, 5 × 2 = 4, 7 × 4 = 8, इसमें 6 जोड़ दीजिए 7 × 6 = 93, 93 हासिल हो गया 9, फिर 6 × 5 = 30, 30 और 9 क्या हो जाएगा 39, 30 और 9 = 39, 39 = 33 आपका आंसर, ठीक है। आज की बात मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट डिफरेंट नंबर को नहीं भूलना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी कोशिश होगी कि मैं पुनः आपको वीडियो दूँ, ठीक है, अगर आपको बेनिफिट होगी तो ओके। तो इस सेशन में इतना ही, इस वीडियोज में इतना ही, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से भी लिख करके बनाते रहिए, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम्स में कोई भी आप सेट प्रैक्टिस को लीजिए, बनाते रहिए, बुक्स को लीजिए, बनाते रहिए, तभी आपको ये ज़्यादा फायदा करेगा। बच्चों को बताइए, अपने आप को पढ़िए, बहुत मैथ का रूल ही है, ज्ञान जितना बांटिएगा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आप कैलकुलेटिव हो पाइएगा। तो इस सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। Thank you very much. Jai Hind.